Hello friends, thank you for joining this channel. And today we are going to talk about retention. What is retention and how it impacts in Oman especially. So the first part we are going to cover for the Oman. Second part we'll cover for in the same video we are going to talk about first Oman and then we'll talk about Dubai and then at the end we are going to talk about India. रिटेंशन क्या है? रिटेंशन वो अमाउंट है जो रिजर्व क्लाइंट रिजर्व रखती है अपने पास इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट्स और एनी प्रॉब्लम हैपेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और लेटर ऑन. सो क्लाइंट उसको और एम्प्लॉयर उसको डिडक्ट करता है उस रिटेंशन अमाउंट को ताकि कॉन्ट्रैक्टर अगर कभी डिनाई करे तो उस अमाउंट को यूज़ कर सके और वो जो भी डिफेक्टिव वर्क है उसको हम रिपेयर करा सकें. तो जनरली ओमान में उसका क्या कॉन्सेप्ट है? जनरली ओमानी लॉ एम्प्लॉयर के ऊपर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं लगाता और ये फ्री है एम्प्लॉयर के ऊपर कि वो क्या रिटेंशन होल्ड करना चाहता है और किस तरह से करना चाहता है और ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी भी करता है. बट जनरली रिटेंशन का जो अमाउंट है 5% to 10% होता है, यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5% to 10% रिटेंशन अमाउंट होल्ड किया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट. और उसका रिलीज करने का क्या प्रोसीजर है? वंस द प्रोजेक्ट इज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड या प्रोजेक्ट कंप्लीट कर गया, कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट और एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकता है रिटेंशन रिलीज करने के लिए. तो जनरली क्या होता है इस केस में, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद 5% यानी 5% रिटेंशन रिलीज कर देते हैं और बैलेंस 5% वो रिलीज होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड. उसका रीजन ये है कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंडर अगर कॉन्ट्रैक्टर डिनाई करता है या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जिसका एक ह्यूज कॉस्ट इम्पैक्ट है तो वो अमाउंट होल्ड किया जाता है ताकि एम्प्लॉयर वो रेक्टिफिकेशन और बाकी चीज़ें करा सके. तो ये एक जनरल और कॉमन प्रैक्टिस है. को रिलीज करने का, रिटेंशन अमाउंट को रिलीज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है मोरलिस जो इंडस्ट्री में है कि 5% आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड द कंप्लीट अमाउंट यानी बैलेंस 5% आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड. तो उसको कंप्लीट होने के बाद वो रिलीज कर दिया जाता है. तो अब दुबई के केस में हम देखते हैं कि दुबई में रिटेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है. जो दुबई में जो कॉमन प्रैक्टिस है वो तकरीबन 10% रिटेंशन अमाउंट होल्ड करने का है, वेदर इन फॉर्म ऑफ रिटेंशन बॉन्ड और या तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से जैसा हम डिडक्ट करते जाते हैं उस तरह से करते जाएं. अब हम बात करते हैं कि इंडिया में रिटेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है. जनरली इंडिया में भी रिटेंशन का रिमेंस वही कॉन्सेप्ट है जो हमने बाकी जो दुबई यूएई और ओमान में है. बेसिकली इंडिया में भी 10% ही रिटेंशन होल्ड किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर और टर्म्स एंड प्रोजेक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कि एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर किस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस में हैं और ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी भी कर सकता है. लेकिन इन जनरल इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि 10% ही रिटेंशन रिटेन किया जाता है और उसका उसको रिलीज करने का ये इन जनरल प्रैक्टिस है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बैंक गारंटी देगा अगेंस्ट रिटेंशन अमाउंट, अनकंडीशनल बैंक गारंटी देगा विद रिस्पेक्ट टू द रिटेंशन अमाउंट और उसके बाद एम्प्लॉयर जनरली वो रिटेंशन अमाउंट रिलीज कर देता है. सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू एंड वी हैव ऐड सम वैल्यू टू योर नॉलेज. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट.